बिल्कुल जी, बहुत चिंता की बात है। मैं समस्त बिहार, मैं अभी बिहार की धरती पर हूँ, मैं बिहार की धरती पर आकर अपने अपने सभी चाहने वाले को कहूँगा और पूरे देश, ये पूरा देश मुझे सुन रहा है कि इसको आप लोग ज़रा भी हल्के में ना लें। ये बहुत भयंकर बीमारी है, जो एक वायरस आया है, इसमें सफाई की बहुत ज़रूरत है। हाथ आप लोग ज़्यादा धोते रहें जितना भी हो सके, भीड़ में ना इकट्ठा हों, रेलवे स्टेशन हो, बस में हो, सिनेमा हॉल तो अब अक्सर हर राज्य में बंद ही हुआ है। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कृपया आप लोग भीड़ समूह में ना रहें, शादी ब्याह जितना हो सके अवॉइड करें। ये एक ऐसी बीमारी है जो यहाँ पे हिंदुस्तान में भी मृत्यु होना शुरू हो गई, कर्नाटका में हुई और आज सुबह में एक दिल्ली में मृत्यु हुई। तो आप लोगों से मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मास्क पहने, मास्क नहीं रुमाल लगाएं, छींक आ रही है तो आप ऐसे छींकें ना कि किसी के मुंह पर छींक दें, ना किसी के शरीर पर छींकें। कृपया अपना ध्यान रखें, जहां आपकी नाक बहने लगी, सर में दर्द हुआ, जहां आपकी सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तुरंत जाके आप अपना तुरंत मेडिकल, सरकार ने हर जगह पर, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने व्यवस्था मुहैया करवाई है, जाके अपने आप को चेकअप करें, आइसोलेट कर दें, अपने आप को एकांत में रखें। अगर आपको लगता है आप में डिटेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर्स आपको खुद ही बता देंगे, लेकिन जहां आपको सर दर्द है, बुखार है, आपको खांसी आ रही है, नाक बह रही है और सांस लेने में तकलीफ़ है, ये तुरंत आप लोग इमीडिएटली समय ज़ाया ना करते हुए डॉक्टर से जाकर। रवि जी, आप एक्टिव मेंबर हैं पार्लियामेंट के, प्रधानमंत्री ने भी एडवाइजरी जारी की है, क्या निर्देश आप लोगों को दिए गए? हम लोगों को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां आप संपर्क में आते हैं वहां जाके जानकारी आप लोग तुरंत दें। उन्होंने कहा है कि आप लोग, एक तो देश से बाहर कोई नहीं जाएगा, उन्होंने निवेदन किया है पूरे देश से, शादी ब्याह समूह भीड़, रेलवे स्टेशन, बस इलाका, ग्रुप, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन जितना है कुछ समय के लिए सब अवॉइड करें। केंद्रीय नेतृत्व कितना तैयार है? केंद्रीय नेतृत्व कितना तैयार? हम लोग बहुत ज़्यादा तैयार हैं, नहीं तो आप भगवान की, महादेव की कृपा है कि ऐसा कुछ बुरा ना हो। 130 करोड़ की आबादी में 84-85 लोग डिटेक्ट हुए हैं और उसमें भी दो मृत्यु हुई, लेकिन हम लोगों ने बहुत, हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस बहुत पहले से देने लगी। मेडिकल, हमारे हर्षवर्धन जी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो रोज़ इस पर बैठक ले रहे हैं, रोज़ चर्चा हो रही, सदन में हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसकी चर्चा की और हम लोग, केंद्र सरकार पूरी तरह सचेत है, राज्य सरकार को पूरा निर्देश दिया गया है, मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी तरह आदेश पे चल रहा है, क्या करना है, सरकार पूरी तरह तैयारी।